I would like to welcome you all in Radical IIT and Medical Nagpur. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे लेक्चर वन में, हमने कुछ पॉइंट दिखे रहे थे, उसके एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। साथ में आप लोग को भी याद दिलाना है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। यहाँ शुरुआत हुई थी, हमने कुछ डिस्कशन किया था, हमने देखा था कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये क्या है, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिखाई दे रही है। लिखा है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय कार्ल वोइस, पहला पॉइंट, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि साइंटिस्ट के नेम बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां दिया है, कहां पर वो दिया है, अंडरलाइन कर ले। या फिर एनसीईआरटी में अगर ये पॉइंट चल रहा था, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तो कुछ स्टिकर होते हैं उसको पेज के साथ चिपका ले और एक्स्ट्रा पॉइंट को वहीं लिख के रख ले, यानी उस बुक में थोड़ा अपडेशन कर ले, अपडेशन इन द वेव ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अपडेट दैट। लेकिन कॉम्पिटिशन में किस तरीके से क्वेश्चन घुमाए फिराए जाते हैं, इसीलिए आपके पास वो अपडेट होनी चाहिए, तो इसलिए आप स्टीकर लगा के उसको लिख सकते हैं, कॉपी यूज कर रहे हैं सबसे बेस्ट, ठीक है। यहां पर हमने सीखा कि ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है दिस गिवन बाय द कार्ल वोइस, कौन सी ईयर में, तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था 1996, मतलब बहुत पुराना नहीं है, ठीक है, तुम्हारे बर्थ के कुछ टाइम पहले ही हुआ होगा, आई थिंक 10 ईयर्स बैक, है ना। यहां 1977 जो लिखा हुआ है ये नहीं है, 96, ये आप ध्यान रखें ना, पिछले अभी हमने स्लाइड में देखा था वहां पर। ही सजेस्टेड अ सेपरेट किंगडम फॉर आर्किबैक्टीरिया, उन्होंने कहा कि आर्किबैक्टीरिया कुछ अलग है, ना। पांच जो हमने किंगडम पढ़े उसमें ये सही नहीं बैठ रहा, आर्किबैक्टीरिया के लिए एक छठवां किंगडम हमको बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले नंबर पे हो, यानी मोनेरा के पहले आर्किबैक्टीरिया किंगडम हो। इन वेटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द आर्किबैक्टीरिया वर कंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा, तो वेटेकर ने कहा था कि आर्किबैक्टीरिया को हम जहां बैक्टीरिया रखा है मोनेरा वहां रख सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हमने जब लिमिटेशन पढ़े एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वहां आ रहा था, लिविंग और नॉन लिविंग, एकदम से तो प्रोकैरियोट नहीं आए होंगे ना, उन प्रोकैरियोट के पहले कोवा सर्वेट्स या प्रोटोबायोन्स आए होंगे, तो उस समय चीजें अलग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इनका पॉइंट वैलिड तो है, लेकिन कितना सही है और क्या उसके लिए एक अलग से किंगडम बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो किंगडम के लिए जो एक हायरार्की है, ऐसा नहीं कि हमने किंगडम बनाया लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम है, उस किंगडम में बड़े मुश्किल से हम फाइलम बनाए, बड़े मुश्किल से फिर क्लास या फैमिली ऑर्डर जीनस ये सब बने, जब ऐसा होगा तो फिर वो किस लेवल पे किंगडम होगा, तो किंगडम होने के लिए उस रैंक या उस हायरार्की को बिलोंग करने के लिए उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो डिजर्व करना चाहिए, तो यहां पर वही पॉइंट है जो हम देखते हैं कि इन द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम वर प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा फंजाई एंड आर्किबैक्टीरिया, छठवा जुड़ गया यू बैक्टीरिया, अच्छा इस तरीके से मोनेरा को हटा के क्या कर दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, दो अलग तरीके से लिख दिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर दिस क्लासिफिकेशन आर सेल टाइप, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, एबिलिटी टू मेक फूड एंड द नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी, तो इन नए आधार पर थोड़ा सा अपडेट करने के कारण इनको हमने इस तरीके से तोड़ लिया। देखो बेसिक वही है, आप देख पा रहे हैं थ्री डोमेन में अगर हम देखें, दिस इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, यूकेरिया, यूकेरिया में हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स, ठीक है। इधर पे आ रहे हैं तो यहां पर जो एग्जैक्टली कॉमन एंसेस्टर था वहां से उसको हम प्रोकैरियोट नहीं बोल रहे हैं, प्रोकैरियोट की जगह हम बोल रहे हैं एक आर्किबैक्टीरिया है और एक ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया दिस इज आर्किबैक्टीरिया, मोस्ट एंशियंट दिस इज एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो इस तरीके से मोनेरा को दो पार्ट में जोड़ दिया, इसीलिए पांच की जगह पर वो छह टोटल हो गए।
द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द सिक्स किंगडम्स आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टेबल में जो हमने जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वैसे यहाँ पर नहीं हुए। आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये किंगडम के नाम हो गए बचे हुए नेक्स्ट टेबल में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो टाइप्स ऑफ सेल, सेल वॉल, एनऑर्गेनल्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल, तीन यहां दिए हैं जिसको आपको देखना है। दूसरा तीन यहां दिए हुए, तो ऐसे टोटल सिक्स हो गए और उनके फीचर दिए हुए 1, 2, 3, 4 और साथ में एग्जाम्पल। तो चार फीचर है, छह किंगडम है विद एग्जाम्पल्स, ये एक्सप्लेन किया गया है इस टेबल में। तो ये भी आप थोड़ा देख ले, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। एनिमल, प्लांट, फंजाई और इसके पहले वाला प्रोटिस्टा, इनको देखने की जरूरत नहीं है। कहां देखने की जरूरत है कि मोनेरा को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। मोनेरा को जब हमने दो पार्ट में तोड़ा तो हमने कहा कि सबसे पहले वाले को हमने आर्किबैक्टीरिया कह दिया, मोस्ट एंशियंट, और उसके बाद वाले एडवांस वाले को यू बैक्टीरिया का, ट्रू बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। क्या डिफरेंस है देखो, मोस्टली प्रोकैरियोटिक बट सम डू नॉट हैव अ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक है लेकिन सेल वॉल होगी ये जरूर नहीं है, लेकिन यहां पर प्रोकैरियोटिक और सेल वॉल होगी ही होगी। अब वो किसकी बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकन। सेलुलोज नहीं है, प्लांट में सेलुलोज होता है, यहां पर क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि यहां पर भी ऐसा कोई स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सेल वॉल होगी, लेकिन ये भी प्रोकैरियोट है और ये भी प्रोकैरियोट है। दूसरा डिफरेंस देखें, यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनिसेलुलर है लेकिन ये कॉलोनीज बना सकते हैं, यानी जैसे अगर बैक्टीरिया हमने पढ़ा था स्टेप्टो और दूसरा स्टेफाइलो, कि वो क्यों बना सकते हैं या बंच के फॉर्म में रह सकते हैं। कोकस अगर बात करें तो स्टेप्टोकोकस, अगर चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अभी हम मोनेरा पढ़ेंगे तो जब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, साइज, शेप, तो वहां पर आपको ये वर्ड समझ में आ जाएगा कि एक के पीछे एक जब लग जाते हैं है वो यूनिसेलुलर ही, लेकिन जब कॉलोनी बन रही है तो सीधे सीधे लाइन के फॉर्म में बन सकती है या फिर ग्रुप के फॉर्म में बन सकती है। तो इस कारण से उसको स्टेप्टो और स्टेफाइलो दो अलग अलग हम नाम देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों ऑटोट्रॉफिक है और दोनों ही हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये सेम है। यहां पर डिफरेंस आया, यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या आया कि कॉलोनाइज है, ये कॉलोनाइज नहीं है। रिप्रोडक्शन में देखो तो असेक्सुअल, आर्की रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी और मल्टीपल फिशन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी है, लेकिन यहां पर बाइनरी फिशन के अलावा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, मियोसिस नहीं होता है, ठीक है, जबकि यहां सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन था। एग्जाम्पल हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, जबकि यहां यू बैक्टीरिया में आते हैं स्पेशली साइनोबैक्टीरिया। इस चीज को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये वर्ड मिलेंगे आपको। आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको मियोसिस उसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, माइटोसिस की डिटेल पढ़नी पड़ेगी। हम उस टाइम पर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इनके बीच में भी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी काम की इंफॉर्मेशन है, इन सही सभी से हमको बचना नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा, स्कीप, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। आउट ऑफ सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो वी डोंट एक्सेप्ट और वी डू नॉट फॉलो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट लिखे गए हैं उन पॉइंट को समझना ये बेहद जरूरी है। तो ये पॉइंट लिखे हुए थे, नाउ थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना, यहाँ सिक्स जो किंगडम था उसमें ये जोर दिया गया था कि डोमेन जो है वो क्या है। तो ये डोमेन है क्या, तो आपको पहली बात तो ये समझना है कि लाइफ को हम जब डिवाइड करते हैं तो वो जो एक बिगर हायरार्की है देन द किंगडम है ना, किंगडम से बड़ा क्या होता है, किंगडम से बड़ा होता है डोमेन। डोमेन क्या है, कार्ल लुईस, जी फॉक्स एंड अदर स्टडीड आर्किबैक्टीरिया एंड सजेस्टेड दैट दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ डिफरेंट सेल टाइप। इनका सेल टाइप कुछ अलग है, ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट से थोड़े अलग है। दे प्रपोज अनदर स्कीम फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो हम डायग्राम अभी नेक्स्ट देखेंगे। देयर हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स, ना देखो यहां पर यूकैरियोट जो है
द अर्लीस्ट और ओरिजिनल सेल गेव राइज टू यूकैरियोट्स डायरेक्टली। अब देखो यहां पर स्पेलिंग अलग है, ठीक है, हो गया है ना, रेदर देन बाय वे ऑफ प्रोकैरियोट्स दे प्रपोज दैट न्यूक्लिएटेड यूकैरियोट बिकेम ट्रू यूकैरियोट्स, है ना। दोनों की स्पेलिंग देखो, यहां पर यू आर लिखा है ना, इसको हम अर्कैरियोट्स बोल सकते हैं। प्रोनंसिएशन में वैसे इसको यू ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यू कैन से दिस इज अर्कैरियोट्स एंड दिस यू कैन से द यूकैरियोट्स। तो अर्कैरियोट्स कहां से आए, मतलब किसको गिव राइज किया उन्होंने, तो यूकैरियोट्स का ओरिजिन इन अर्कैरियोट्स से आया है बाय एक्वायरिंग ऑर्गेनल्स बाय एंडोसिम्बायोसिस फ्रॉम द सर्टेन यूबैक्टीरिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट है और एक टाइम टाइम में ऐसे वेरिएशन आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सेल के कितने टाइप होते हैं, तो आप बोलेंगे या तो सेल क्या होगा यूकैरियोट होता है या फिर प्रोकैरियोट होता है। इसके अलावा क्या आपने और कोई टाइप सुना है? तो कुछ साइंटिस्ट का मानना था, जैसे यहां पर चल रहा है दोनों का मिला जुला फॉर्म, ठीक है, तीन टाइप के सेल होते होंगे, तो डेट डिपेंड्स। लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आएगा, सपोज ये आ जाता है, तो आपको वहां दो ही लिखना है। तो हम पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, यू नीड टू फॉलो ओनली द एनसीईआरटी, जहां पर हम सीखते हैं कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ सेल, इधर इट कैन बी यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल। सीधी बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मीजोकैरियोटिक। ये चीज अप्लाई नहीं होती, लेकिन जब पुरानी बुक्स, सपोज आप लाइब्रेरी पहुंचते हैं, वहां कोई बड़ी पुरानी बुक उठाते हैं, वहां पर लिखा है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, ऑप्शन दिए 1, 2, 3, 4, आप बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन आता था पहले, सामने लिखा रहा होगा, है ना, कि 1986 में पूछा गया था या इसी तरीके से बहुत पुराना ईयर में पूछा गया था। आप बोलेंगे इतना पुराना ये क्वेश्चन है और इतने इजी क्वेश्चन आते थे पहले, आप उसको मार्क करेंगे 2, आंसर पीछे पलट के देखेंगे 3, फिर डाउट हो गया, आप पूछने आए कि सर इसमें रॉन्ग प्रिंट हुआ है, हमने सेल के दो ही टाइप पढ़े, यहाँ तीन बोल रहा है, तीसरा कौन सा होता है। तो ये आपको अपना विजन ब्रॉड करना होगा, आपको समझना होगा कि कैसे सिलेबस में भी अपडेट होते रहते हैं। ये उन बेसिस पे चलता था, लेकिन अभी हमने कह दिया कि हम सिर्फ क्या फॉलो करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हम 3 डोमेन की बात कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट बना हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूं ताकि आपको डायग्राम पूरी तरह दिखाई दे। देखो नीचे लिखा हुआ है फिगर 2.4 चेंजिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे नीचे प्लांट्स एनिमल दिख रहे हैं, शुरुआत कहां से करनी है, सबसे पहले आप ये देखें प्रोकैरियोट्स दिखाई दे रहा है, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया। प्रोकैरियोट के अगर लेफ्ट में देखें तो लिखा हुआ है यूकैरियोट्स, डोमेन यूकैरिया। यानी तीन मेन डोमेन क्या दिखाई दे रहे हैं, लाइफ के तीन अलग अलग फॉर्म, या तो लाइफ बैक्टीरिया की हो सकती है, या आर्किया की हो सकती है, या फिर यूकैरिया की हो सकती है। तीन मेन ये डोमेन होते हैं, दोनों को हम मोनेरा में डालते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, यूकैरियोट को हम 4 अलग अलग हेडिंग में पढ़ते हैं, दे कैन बी इधर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, यही पढ़ा ना हमने। प्रोटिस्टा और प्लांट पहले के टाइम पर प्लांट कैटेगरी में रखे गए थे, कुछ प्रोटिस्टा एनिमल में जोड़ के एनिमल में रखे गए थे। तो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, प्रोटिस्टा एनिमल एनिमल, प्रोटिस्टा प्लांट प्लांट्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लिनियस क्लासिफिकेशन है जिसमें दिखा रहा है प्लांट्स और एनिमल ओनली, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्टा और उसके साथ जुड़ जाता है मोनेरा। एक क्या मिस कर रहे हैं, फंजाई। फंजाई कहाँ लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, मतलब ये 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है वेटैकर। यहां पर 3 लिखे, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, हैकेल, सबसे ऊपर 3 डोमेन, तो वो लिखा हुआ है कार्ल वोइस। अब देखो 1990 बर्थ था, 1996 में ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से इस चार्ट में हमको वो सारे सिस्टम के बारे में पता चल रहा है कि किसका क्या लेवल है और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्लियर, ठीक है, तो ये समझने के लिए जरूरी था। तो अभी आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि हिस्ट्री में किस तरीके से क्लासिफिकेशन को लेकर मैकेनिज्म चेंजेस हुए।
अगर कोई क्वेश्चन सडनली आपसे पूछे तो क्या आप रेडी हैं आंसर देने के लिए? सर आप क्वेश्चन क्यों पूछते हो? रेडी हैं? अलर्ट रहना चाहिए, है ना, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक की पॉइंट यहां लिखा है, देखे दिखा दे रहा है की पॉइंट। द डोमेन बैक्टीरिया इज ऑलवेज स्पेल विथ कैपिटल बी, हमेशा कैपिटल बी से ही लिखेंगे उसको आप, स्मॉल बी से आप बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे। जब आप डोमेन लिख रहे हैं तो ये उस समय का रूल था। 1998 डिस्कस थ्योरीज अबाउट हाउ द थ्री डोमेन्स मे हैव अराइजन एज फॉलोस, किस बेस पर तीन डोमेन अराइज हुए होंगे ये उन्होंने रखा। हालांकि ये काफी लंबे टाइम बाद है, मतलब आर एच विटेकर तो ठीक है 69 में उन्होंने दिया था सिस्टम, लेकिन काफी लंबे टाइम बाद कोई अगर क्लासिफिकेशन में बदलाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बेसिस स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। तो लेट्स सी क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला उनका कहना था अ यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर फर्स्ट स्प्लिट इनटू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, ठीक है, पहला कि जो पहले सबसे सिंगल कॉमन एंसेस्टर रहा होगा वो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बैक्टीरिया एंड आर्किया, यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया एंड आर्किया, एंड देन तब उसके बाद यूकेरियोट में हुआ, ठीक है। पहले बैक्टीरिया आर्किया ये दो रहे होंगे, उसके बाद तीसरा आया यूकेरिया, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ी। ऑल थ्री डोमेन्स अरोज साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पूल ऑफ कॉमन एंसेस्टर दैट वर ऑल एबल टू एक्सचेंज जीन विद वन अनदर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ये ऐसा मानना क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स सीख गए थे और ये समझ में आ गया था कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है, वो मैकेनिज्म पूरा अब हम सीख चुके हैं। उस बेस पर अगर देखा जाए तो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी एनिमल रहे लेकिन उन सभी एनिमल्स के अंदर जो प्रोटीन फॉर्म होने का जो मैकेनिज्म है उसमें जो कोडिंग होती है, कोडिंग मतलब काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्रेस किया जाता है, वो तो सेम है। ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रेट्स में अलग होता होगा और इनवर्टिब्रेट्स में अलग होता हो या प्लांट्स या दूसरे में अलग होता होगा, ये लगभग सेम है। कुछ ही जगह पर एक्सेप्शन है, एक या दो जगह पर एक्सेप्शन आता है, वो भी कुछ पॉइंट को लेकर, नॉट फॉर द होल दैट मैकेनिज्म, कुछ पॉइंट पे ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज सेम है। यू कैन से दैट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि हाँ ये तो एक कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा करता है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूकेरिया हैव मेनी जीन्स विच आर लैकिंग इन आर्किया एंड बैक्टीरिया, तो पहले कम जीन रहे होंगे इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया पहले आए, फिर इवोल्यूशन हुआ, जीन्स और जुड़ गए, इसीलिए इनके बाद यूकेरिया आया होगा। क्या कह सकते हैं? यूकेरिया इज मोर एडवांस देन द आर्किया एंड द बैक्टीरिया, दोनों से ज्यादा एडवांस है। द थ्री डोमेन्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर सबसे एडवांस एनिमल की बात करें, मैमल्स की बात करें, मैमल्स में भी अगर ह्यूमन की बात करें, तो हमारे अंदर डीएनए जो है उसमें इतने सारे जीन होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्लांट तो नहीं लेकिन हमारे जो कॉमन एंसेस्टर जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी होगी, भले वो एक्सप्रेस नहीं होते, वी डोंट हैव कैरेक्टर लाइक द प्लांट्स, वी डोंट हैव कैरेक्टर लाइक द फंजाई, लेकिन उनके एंसेस्टर और हमारे एंसेस्टर तो एक ही है। द प्लांट फंजाई एनिमल्स दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर, दिस अराइज फ्रॉम द प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में एड हुआ होगा, प्रोटिस्टा जितना रहा होगा उसमें कुछ एड हुआ तो एनिमल बन गया, कुछ एड हुआ तो प्लांट बन गया, कुछ एड हुआ तो फंजाई बन गया। इसीलिए फंजाई में जो जीन्स है वो सारे के सारे प्लांट में नहीं हो सकते, प्लांट में जो जीन है वो फंजाई में नहीं हो सकते, ना ही एनिमल में हो सकते, एनिमल में जो जीन है वो ना ही प्लांट में है ना ही फंजाई में, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से ये अलग कर देता है। आइडिया ये है कि कुछ जीन रहे होंगे मोनेरा में, इसमें जब डेवलपमेंट हुआ तो इसमें एड हुए और इसी का एक इवॉल्व फॉर्म क्या आया? प्रोटिस्टा। लेकिन अब इसका इवॉल्व फॉर्म नहीं है, ये तीन आ रहे, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, वन ऐड हुआ तो ये फंजाई बने होंगे, इसमें टू ऐड हुआ होगा तो ये प्लांट बन गए,
इसमें कुछ और ऐड हुआ होगा तो ये एनिमल बन गया। अब यहां 1 2 3 से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर कम है यहां ज्यादा और यहां ज्यादा दे। दिस इज मेकिंग ओनली डिफरेंस कि यहां पर जो जीन्स है वो यहां नहीं है। दिस वन इज नॉट इक्वल टू टू, टू इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो ये तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों में कॉमन क्या है? दिस दिस प्रोटिस्टा इज ए, तो ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू और ये हो गया ए थ्री। ए इज कॉमन, क्लियर? डिफरेंस इतना है। तो एनिमल में जो है वो प्लांट में नहीं है ना ही फंजाई में है, और जो प्लांट या फंजाई में है वो एनिमल में नहीं है, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से जो एवोल्यूशन वो हो रहा है, तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितने इवॉल्व ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे उसमें उतनी ज्यादा हिस्ट्री छुपी हुई है, उसमें एंशियंट टाइम की डिटेलिंग छुपी हुई है। वो आज एक्सप्रेस तो नहीं होती लेकिन श्योरली उसके अंदर वो चीजें इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड वो छुपी हुई है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ लार्ज और बिग जीनोम। इस कारण से जीनोम का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जबकि उतना सारे जीनोम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट ऑल जीनोम इज नॉट एक्सप्रेसिबल, सारा का सारा जीनोम एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन इतना सारा क्यों है? क्योंकि वो हिस्ट्री उसके अंदर छुपी हुई है। तो यहां ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। Whittaker's five kingdom classification, the characteristics of each kingdom and its components with suitable example is described in the following section. आगे हम देखेंगे कि Whittaker's ने किस तरीके से classification किया और उसके क्या वो different points थे। तो हम follow क्या कर रहे हैं Whittaker system? We are not following that six kingdom. Kingdom Monera. अब R.H. Whittaker का जो five kingdom classification था, अब धीरे-धीरे हम इसको explore करेंगे। प्लांट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एनिमल को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए हमको थर्ड चैप्टर पर जाना है, विल स्टडी द प्लांट किंगडम। एनिमल को एक्सप्लोर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए इंडिपेंडेंट चैप्टर है, दैट इज फोर्थ चैप्टर किंगडम एनिमिलिया। यानी सीधी बात है कि प्लांट्स और एनिमल को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है लेकिन बाकियों का क्लासिफिकेशन अपने लिए सिलेबस वाइज छोटा है। देखें यहां पर मोनेरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर लिखा है किंगडम मोनेरा ऑल प्रोकैरियोट्स। मोनेरा मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोट होंगे। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है सेल वॉल। सेल वॉल में पॉइंट लिखा है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्या है? जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा, हमने स्टार्च पढ़ा, ये क्या है? बायोकेमिकल्स। वैसे ये भी एक बायोकेमिकल है, ठीक है? और म्यूरिन, अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो म्यूरिन हो सकता है, विच इज द टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। अब ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन मतलब इसमें एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट है और एक पार्ट प्रोटीन है, इसलिए लिखा है पेप्टिडो। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट पार्ट। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन जैसे बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़े, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखा है? लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। जैसे वहां पर क्या था? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, यहां पर लिपिड और प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन लिखेंगे उसको, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट था कि लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो किससे बना हुआ है? लाइपोप्रोटीन, याद है ना, 9th क्लास में सीखा था अपन ने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, है ना? तो इसलिए लिखा है लाइपोप्रोटीन। द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। किसके किसके बीच में स्पेस है? द स्पेस बिटवीन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अलग चीज हो गई। उसके एडिशन में होती है दूसरी मेम्ब्रेन, वो है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल में नहीं होती लेकिन ये बैक्टीरिया में तो होती है, वही तो पढ़ रहे हैं मोनेरा। प्लांट में होती है लेकिन प्लांट में सेलुलोजिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। तो दिस इज द डिफरेंस। तो आप नोट करेंगे ना, मिक्स नहीं करना है, सेल वॉल अलग चीज है, सेल मेम्ब्रेन अलग चीज है। तो दोनों के बीच में जो स्पेस रहती है, खाली जगह रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। दिस स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम बिकॉज इन दिस स्पेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। किससे मिलता जुलता है?
तो दिस इज रिसेम्बल दिस हैज अ रिसेम्बलेंस विद द लाइसोसोम। अभी थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो यही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम, क्योंकि यूकेरियोट में डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कौन करता है, लाइसोसोम, जो कि सेल ऑर्गेनल है, एंड दिस लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। और हम पढ़ रहे हैं मोनेरा, मोनेरा का मतलब क्या है, प्रोकैरियोट, यहां पर लाइसोसोम नहीं होते। तो क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में, ये ऑब्वियस क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई जब यूकेरियोट में डाइजेशन के लाइसोसोम है तो बैक्टीरिया के अंदर फिर डाइजेशन कैसे होता होगा, यहां पर भी तो एंजाइम है लेकिन एंजाइम सिक्रीट करने के लिए लाइसोसोम नहीं है, तो क्या है, मीजोसोम। अगर मीजोसोम भी नहीं है, मीजोसोम अराइज होता है किसी चीज से ना, वो क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। दिस पेरिप्लाज्मिक स्पेस गिव्स द मीजोसोम। साइटोप्लाज्म, तो देखो हमने क्या पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया इंक्लूडिंग द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जानते हैं, सेल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जितना होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो अभी हमने एक वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस तो कहा नहीं, इसलिए कलेक्टिवली क्या कहेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, लेकिन उस प्रोटोप्लाज्म में जहां जेनेटिक मटीरियल नहीं है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे यूकेरियोट में होता है लाइसोसोम है, राइबोसोम है, हालांकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होगा, दूसरे ले ले तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इनमें मेम्ब्रेन होती है। तो जनरली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकेरियोट, यहां पर प्रोकैरियोट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर लिखा है लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। दूसरा पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दिस इज द न्यूक्लियस, वहां कुछ जेनेटिक मटीरियल होगा एंड दैट विल बी नॉट प्रॉपरली बाउंडेड। ऐसे न्यूक्लियस को ही तो हमने प्रो न्यूक्लियस कहा था, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप, राइबोसोम के टाइप होते हैं, ठीक है, आगे हम सेल बायोलॉजी में सीखेंगे। 70S 80S दो याद रखने, 80S है तो यूकेरियोट, 70S है तो प्रोकैरियोट, क्लियर। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है याद रखने के लिए भी है, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम जरूरी है। हमने सिंपल पॉइंट पढ़े, मैं इसको अगर हाइड करूं तो क्या आप बता पाएंगे कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म को लेकर वो तीन पॉइंट क्या थे, मैं आगे कर देता हूं, ठीक है। तीन मेन फोकस हमने किए अभी थोड़ी देर पहले ही, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था, तो पहला पॉइंट हमने कहा था कि सेलवॉल, और सेलवॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ दूसरा होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा कुछ और पढ़ा था ना, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन क्या है, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, म्यूको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं उनको, म्यूको पॉलीपेप्टाइड जनरली चिपचिपे कुछ ऐसे फ्लूइड जैसे रहेंगे, थिक विस्कस वैसे सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने सेल वॉल के बाद, सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, है ना, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहना था, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, वेरी गुड, इसके अलावा सेल वॉल भी होती है, तो सेल वॉल तो हमने पहले ही कह दिया, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, क्यों जरूरी है, तो दिस इज फिल्ड बाय, इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, और ये लाइसोजाइम एंजाइम बिल्कुल वही काम करते हैं जैसे कि यूकेरियोट्स में लाइसोजोम करता है। लाइसोजोम का फंक्शन क्या है, एंजाइम सिक्रीट करना ताकि डाइजेशन हो, तो वही डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम वो उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में रहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रोकैरियोट में लाइसोसोम नहीं होते, क्लियर, प्रोकैरियोट में लाइसोसोम नहीं होते, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैंने एक एडिशन पॉइंट बताया था आपको कि बैक्टीरिया में अगर स्पेशली यूकैरियोट यू बैक्टीरिया में देखा जाए तो उनमें यही पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है दैट इनवेड इनसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म, मतलब सेल वॉल था
और ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये अंदर की तरफ ऐसे इनकल्शन बनाता है. दिस इज कॉल्ड द मेसोसोम. और ये मेसोसोम कैसा काम कर रहा है? दिस इज फंक्शनिंग लाइक द लाइसोसोम इन यूकेरियोट. तो क्योंकि यहां पर लाइसोसोम नहीं है तो यहां मेसोसोम है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें कि ये क्या काम करता है. फिर उसके बाद तीन पॉइंट हमने पढ़े थे साइटोप्लाज्म को लेकर. पहला पॉइंट क्या था देखें किसको याद है. पहला तो साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते. दूसरा पॉइंट इन प्रोकैरियोट सेल्स द न्यूक्लियस इज इंडिस्टिंक्टिव, मतलब सही तरीके से हम बता नहीं सकते कि न्यूक्लियस कौन सा है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तीसरा इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर ऑफ 70s टाइप. याद रहेगा ठीक है. तीन पॉइंट हमने बोले. पहला पॉइंट सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर लैकिंग. सेकेंड पॉइंट न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिस्टिंक्टिव. थर्ड पॉइंट राइबोसोम इज ऑफ 70s टाइप. इतना इजी था. एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट देखें, आर्किबैक्टीरिया पहला, दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, चौथा माइकोप्लाज्मा, पांचवा एक्टिनोमाइसिटीज, छठवा रिकेटेशिया, सातवा क्लेमाइडिया. डायग्राम बना हुआ है ठीक. इस डायग्राम में क्लियर दिख रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रिकेटेशिया, स्पायरोक्सीटा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज आर्किबैक्टीरिया. नाम भी लिखे हुए हैं क्लियर. याद रखने हैं नाम, बहुत सारे होते हैं. मोर पॉपुलर नेम यहां दिए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनने चाहिए. नाम ही अगर याद नहीं आएंगे आप बोलोगे सर कितना रटना क्यों. नाम रटने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मंत्र जाप जैसा रटना चालू कर दो कि सुबह बैठो आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ऐसा नहीं. थोड़ा रीड करो. जैसे मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर याद होगा. देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एक मिनट देखो, सात में से तीन के नाम किसी एक से पूछूंगा मैं, सात में से किसी तीन के नाम हम पूछेंगे आपको बताना है ठीक है. ये ऐसा नहीं कि सातों के साथ याद होना चाहिए, लेकिन मेरा ये एम रहता है कि क्लास में आप अगर थोड़ा सा लर्न कर लो तो आपको याद रहेगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी. ये तो क्या होगा कि सिर्फ जनरल ऐसा पढ़ ले फिर उसके बाद फिर तकलीफ होती है, आपको नाम याद नहीं होंगे. तो क्वेश्चन आंसर पूछने से, ऐसे कम्युनिकेशन करने से आपको चीजें याद हो जाएगी क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस में आएगी. तो ध्यान रखें चीजों को बुक पे ना रखें. दैट थिंग शुड बी कम इन योर प्रैक्टिस एंड व्हेन इट कम इन योर प्रैक्टिस वो डेफिनेटली आप लर्न करने वाले हो, आपकी मेमोरी वहां पर ऑटोमेटिकल बन जाएगी. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इवनिंग. आज के लिए इतना ही. टेक केयर. बाय बाय. क्लास